राजसमंद के राजनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए फर्जी इंश्योरेंस करने वाले ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जहां पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना मोहम्मद जावेद समेत छह बदमाशों को गिरफ्तार किया है और इन छह बदमाशों को पुलिस डिटेन कर दिल्ली एनसीआर से राजनगर थाने में लाया गया। बता दें ये बदमाश अपने आप को भारतीय बीमा नियामक कार्यालय दिल्ली का अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करते थे। तो लोगों से ठगी करने वाले छह बदमाशों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि ये बदमाश अपने आप को भारतीय बीमा नियामक कार्यालय दिल्ली का अधिकारी बताते थे और लोगों से ठगी करते थे। तो राजसमंद के राजनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए फर्जी इंश्योरेंस करने वाले ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया, जहां पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना मोहम्मद जावेद समेत छह बदमाशों को गिरफ्तार किया है, डिटेन कर दिल्ली एनसीआर से राजनगर थाने में लाए गए। फर्जी इंश्योरेंस करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। चलिए इस पर और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सुनील जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी सुनील, यहां पे फर्जी इंश्योरेंस करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। ये गिरोह खुद को भारतीय बीमा नियामक कार्यालय दिल्ली का अधिकारी बताते थे और उसके बाद ठगी करते थे, क्या कुछ अपडेट है? अब बता दो, जिस तरह ये पूरा मामला है, एक ठगी का मामला सामने आया है, यहाँ पर एक फर्जी इंश्योरेंस कंपनी बनाकर इन लोगों ने एक ठगी का शिकार कई लोगों को बनाया है। इसमें एक राजसमंद का ही एक राजनगर निवासी था, एक नरेंद्र जैन, जिसके साथ एक ठगी हुई थी करीब 85 लाख रुपए की, उसके साथ ठगी हुई थी और उसने राजसमंद एसपी को इस मामले का परिवाद दिया और राजनगर थाने में मामला दर्ज होने के बाद राजसमंद एसपी ने पूरी टीम गठित की गई और पूरे मामले की गहनता से पड़ताल करने के बाद इसमें मामला सामने आया कि दिल्ली में इन लोगों ने एक गिरोह बनाया जिसमें मुख्य सरगना था मोहम्मद जावेद और उसके साथ छह लोगों ने मिलकर इस चीज को किया और लोगों को लगातार इसमें फर्जी इंश्योरेंस कंपनी के नाम से ठगी का एक गिरोह चलाया था, उसमें कई लोगों को इसमें शिकार बनाया था, जिसमें बताया जाता है कि इसमें करोड़ों रुपए का खुलासा होने की संभावना भी जताई जा रही है और छह लोगों को इसमें पुलिस ने गिरफ्तार और मुख्य सरगना को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और आज इसमें इन्हें न्यायालय में आज इनको पेश करके पीसी रिमांड भी मांगेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए। तो फर्जी इंश्योरेंस करने वाले गिरोह का यहां पर पर्दाफाश किया गया है, लोगों से ठगे करने वाले छह बदमाश गिरफ्तार।